हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। वर्षा जल संरक्षण एक भविष्यन्मुखी कार्य, मोदी जी को मन की बात में सुना केंद्रीय मंत्री ने निवास स्थान पर। जोधपुर प्रवास के दौरान केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के निवास पर बड़ी संख्या में लोग मिलने पहुंचे। ऐसे में केंद्रीय मंत्री शेखावत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मन की बात कार्यक्रम निवास स्थान पर कार्यकर्ताओं के साथ सुना। प्रधानमंत्री जी ने मन की बात कार्यक्रम में जल संरक्षण को देश सेवा का एक रूप निरूपित किया। केंद्रीय मंत्री शेखावत ने बताया कि मन की बात कार्यक्रम में मोदी जी ने जल संरक्षण की महत्व को समझाया कि बादल आने वाली पीढ़ियों के लिए भी बरसते हैं, अर्थात वर्षा जल संरक्षण एक भविष्यन्मुखी कार्य है। उन्होंने जल संरक्षण की दिशा में उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल में शिक्षक श्री सच्चिदानंद भारती जी के आधारभूत प्रयास की सराहना की। भारती जी पहाड़ी क्षेत्रों में पानी जमा करने की पारंपरिक तकनीक चाल खाल पर नए प्रयोग का उफरई खाल क्षेत्र को जल संकट से मुक्त कर चुके हैं। चाल खाल गड्ढे बनाकर पहाड़ों पर पानी रोकने की तकनीक है। उन्होंने अब तक 30,000 से भी अधिक चाल खाल तैयार किए हैं। मोदी जी उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के अंधाव गांव में चल रहे अनोखे अभियान खेत का पानी खेत में, गांव का पानी गांव में को दिलचस्प और अनुकरणीय बताया। अंधाव वासी अपने खेतों की मेड़ ऊंची कर वर्षा जल रोकते हैं। इस तरह खेत स्वतः ही जल स्रोत में बदल जाते हैं। इससे खेती आसान हुई है और क्षेत्र भी हरा भरा हुआ है। प्रधानमंत्री जी ने भारती जी और अंधाव गांव वासियों की वर्षा जल संरक्षण की मुहिम को भागीरथ प्रयास कहा। निश्चित ही आज उनके बताए इन उदाहरणों से वर्षा जल संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ेगी और लोग अपने अपने क्षेत्रों में जल संरक्षण के लिए प्रेरित होंगे। जागरूक टीवी की जोधपुर से खास रिपोर्ट।